नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं खास खबरों के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, आरक्षण विवाद के बीच राज्यपाल का दिल्ली दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके मिलेंगी, आरक्षण के विषय पर राष्ट्रपति से चर्चा कर सकती है। 76% आरक्षण के विधेयकों पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया, आज पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकती है राज्यपाल अनुसुईया उइके। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी रायपुर से हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके। तो हेमंत, आज राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आरक्षण विधेयक को लेकर जिस तरीके से राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है वो सबके सामने है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का बयान आ रहा है। कल पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सीधे तौर पर निशाना बीजेपी को ऊपर साधा था और राज्यपाल के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। लेकिन इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली के दौरे पर है। कल उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आरक्षण को लेकर स्थिति फिलहाल प्रदेश में है। 58% आरक्षण कोर्ट में नहीं टिक पाया और 76% जो आरक्षण सरकार ने लाया है विधेयक के माध्यम से वो किस प्रकार है, ये सभी बातों की जानकारी कल उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दी है। आज संभावित तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल की मुलाकात हो सकती है और आरक्षण की स्थिति से वो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनको अवगत कराएंगी। इसके अलावा देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा गया है। आज समय मिलता है तो उनसे भी मुलाकात राज्यपाल कर सकती हैं। जिस तरीके से राज्यपाल का आरक्षण को लेकर रुख है, सरकार काफी चिंतित है क्योंकि आरक्षण विधेयक को लेकर सत्र बुलाने की बात राज्यपाल ने ही सरकार को कही थी। उसके बाद विधानसभा में आरक्षण विधेयक को लेकर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया शिवांगी। उसके बाद वहां पर सर्वसम्मति से विधेयक पास पारित हो गया था, लेकिन 19 से ज्यादा दिन आज 20वां दिन है जब हस्ताक्षर विधेयक पर नहीं हो पाया है। जितने भी सरकारी नौकरियां हैं और जितने भी भर्तियां हैं वो सभी रुकी हुई है। इसलिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, गुजारिश कर रही है राज्यपाल से कि जल्द वो इस पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन राय शुमारी पहले जो विधि विशेषज्ञ है उनसे राज्यपाल ने की थी, अब वो दिल्ली के दौरे पर है और वहां से आने के बाद क्या रुख राज्यपाल का रहेगा वो देखने वाली बात होगी। जी, मैं तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।